वेलकम बैक टू जुरासिक बॉय मेकर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एकोचारिया वर्सेस ब्लैक टी-रेक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात करते हैं एकोचारिया की। एकोचारिया के नाम का मतलब होता है टी-रेक्स को टक्कर देने वाला। यह हमें डायनासोर किंग के आर कार्ड गेम में दिख चुका है। इसके पास एक ओमेगा आर्मर भी है जो कि किसी नॉर्मल आर्मर से ज्यादा हार्ड है। ये कार्कर और रोंटोसोरस और एलोसोरस के जीन से बना है। ये सुपर एकोचारिया भी बन सकता है। इसके ओमेगा आर्मर में दो पंख भी हैं जिसके अंदर से ये उड़ के किसी भी डायनासोर को उसके कार्ड में बदल सकता है। ये लगभग कार्कर और रोंटोसोरस जितना ही बड़ा आता है। इसकी बाइट फोर्स लगभग टीरेक्स जितनी है। अब हम बात करते हैं ब्लैक टीरेक्स की। यह हमें डायनासोर किंग सीजन 1 में दिखा है। इसको जेड ने बनाया था। यह एक बहुत बड़ा टीरेक्स है जिसका कलर ब्लैक और ऑरेंज है। यह इतना ताकतवर था कि सारे डायनासोर्स को अपना फ्यूजन मूव 3 बार लगाना पड़ा था इसके ऊपर। सबसे ज़्यादा ताकतवर कार्ड है फायर स्कल्चर जो कि एक सन जितना गर्म है। इसका साइज और वजन हमें आज तक की नहीं पता चला। इनकी इंफॉर्मेशन, एकोचारिया अपने फिंग्स की मदद से ब्लैक टीरेक्स को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मगर ब्लैक टीरेक्स इतना गर्म है कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। और वहीं अगर ब्लैक टीरेक्स ने अपना फायर स्कल्चर मार दिया तो एक बार में एकोचारिया कार्ड में बदल जाएगा। ऑब्वियसली जो विनर होगा वो है ब्लैक टीरेक्स। इस फाइट में ब्लैक टीरेक्स के जीतने के चांसेस 90%, एकोचारिया के हैं 10%। हमें आज तक ही नहीं पता चला एकोचारिया का खतरनाक मूव कौन सा है। अगर हमें पता चल गया तो हो सकता है कि ये ब्लैक टीरेक्स को भी हरा दे मगर फिजिकल फाइट में ब्लैक टीरेक्स एकोचारिया से कई आगे है। आप मेरे को कमेंट्स में बता देना नेक्स्ट डायनासोर किंग का क्या टॉपिक होना चाहिए। और अगर आप जुरासिक वर्ल्ड डायनासोर किंग एक्यूरेट डायनासोर या गॉडजिला के फैन हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।